ये कोई हमें वेव कर रहा है, पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो ये फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया लाइन सुनने में आया है 1990 में यहाँ से लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, खैरी आफत में होंगे। अल्लाह ताला के रहम फजल शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। आज हम जाने वाले हैं कैरन वैली। कैरन वैली कुपवारा में पड़ता है, मैं आपको दिखाऊंगा और बताता भी चलता हूँ। तो हम यहाँ पर इसलिए रुके हैं कि कैरन वैली, बिफोर वी एंटर कैरन वैली, तो हमें जो पीछे दिख रहा होगा ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर आपको परमिशन दिखाना पड़ता है जो हमने पहली ले रखा है करालपुर, जो कुपवारा में ही पड़ता है, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन है वहीं से। तो चलते आगे, दिखाता हूँ आपको यहाँ पे बीएसएफ का चेक पोस्ट है, यहाँ पे रुके हैं हम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे कैंप है। और यहाँ पे जैसे ये गाड़ी रुकी है तो इनको नीचे उतरना है, फिर ये आगे वो परमिशन दिखाएंगे। यहाँ पे इनकी चेक पोस्ट है और चलते आगे, देखते हैं और क्या क्या दिखने को मिलेगा, मजा आएगा आज के व्लॉग में। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए जी हम कैरन वैली, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी महीनों के बाद हम ये व्लॉग बना रहे हैं और लेकिन प्यारा सा व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। और हम पहुंच गए यहाँ पे कैरन वैली। तो आपको मैं बताता चलूँ, जो आपको ये पीछे नज़ारे जो दिख रहा होगा ये है पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान है ये और जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये रिवर है ये डिवाइड करता है इंडिया और पाकिस्तान को। 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, उस पार्टीशन के दौरान इंडिया में कोई रह गया और पाकिस्तान में कोई चला गया। यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ पे इंडिया के साइड इस साइड कोई भाई है, उस साइड और कोई भाई है। और जो मैं आपको बताता हूँ कि इसके बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है, इस रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने मैंने एक ये यहाँ पे कमरा बुक किया है, ये वाला। और क्योंकि हमारे साइड उतना डेवलपमेंट नहीं है, ये है, लेकिन अच्छा है, ठीक है, मज़ा आएगा यहाँ पे रुकने का, एक नाइट स्टे करना है। इसके साथ ही अगर कोई पसंद करता है कैंपिंग वगैरह तो वो ये इस कैंप्स में रह सकता है और तो एंजॉय कर सकते हैं। और बताते चलते हैं आगे कैसा क्या रहेगा और बने रहिए इस व्लॉग में। तो थोड़ी देर चल के हमें ये घर दिखे जो वीराने घर है, सुनने में आया 1990 में यहाँ से लोग चले गए उस पार। अप्रॉक्सीमेटली 60% गांव खाली हो गया था 1990 में और ये घर ऐसे के ऐसे ही है। चलो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या पॉइंट मिलेंगे हमें आपको दिखाने के लिए। और आपको दिखाता चलूं, ये फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल कैरन, ये हमारे रूम के बिल्कुल नेक्स्ट में है। यहाँ पे भी आप रुक सकते हो आराम से, एक रूम का 1000 रुपये किराया है, रेंट है, वॉशरूम वगैरह पूरा अटैच है, पाकिस्तान की व्यू बिल्कुल सामने। और ये जयपुर वैपुर, ये फैमिली के साथ आइए, मज़े कीजिए, बहुत मज़ेदार जगह है। तो चलते चलते हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे कैंपिंग साइट है, और ये साइट है कोबरा व्यू पॉइंट। और ये रोड और पाकिस्तान की रोड पैरेलल है, यहाँ से कोबरा व्यू पॉइंट, ये राजी पाकिस्तान। फिर से आपके लिए ज़ूम कर रहा हूँ। जो अभी आपके फ्रेम के सामने है ये पाकिस्तान में रेस्टोरेंट है, कैसर रेस्टोरेंट। इसके सामने थोड़ी सी भीड़ भाट लग रही होगी आपको, ये देख सकते हो, पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा होगा आपको शायद, ये देखिए मस्जिद। ये वहां पे कौन सी गाड़ी है, ये जीप है।
ये देखे जी पाकिस्तान, नीलम रिवर, और ये आ गया जी हमारा इंडिया। यहाँ पे भी आप कैंपिंग साइट पे बैठ सकते हो आराम से अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। एकदम सामने व्यू इसकी ये है जबरदस्त। ये कोई हमें वेव कर रहा है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल आप भी ये देखो जी पाकिस्तान की गाड़ी आ रही है बिल्कुल आपके फ्रेम के सामने। ट्राई कर रहा हूँ जितना कैप्चर कर सकूं उस चीज उस साइड का उतना कर रहा हूँ। ये देखिए जा रही है जी। ये गाड़ी जो देख रहे हो ये पाकिस्तान की गाड़ी है, और इसके पीछे पीछे दूसरी गाड़ी ये भी पाकिस्तान की है। तो जी रात के 10 बज गए, डिनर वगैरह हो गया हमारा। अब पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी है, बॉनफायर वगैरह कर रहे हैं। जो भी जैसा रहेगा आगे आपको अपडेट करता चलूंगा। गाइस सब कुछ बताओ यार, आपने खुद ही कंट्रोल ले लिया हाथ में, अब क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, करने वाला है नहीं कोई। वो बंदा कहाँ गया जिसको ये ड्यूटी दी थी, उसको उसको तो हमने पैसे दिए, आप क्यों कर रहे हो ये काम? मजा और आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? केरन वैली के बारे में कुछ बताओ। क्या बताएं, खूबसूरती खूबसूरती है हर जगह, और ऊपर से जो ये लोग हैं, क्या चाहिए, वेव वगैरह यहाँ से देते हैं तो फील बड़ा आता है। अच्छा और क्या, अपनी वेव यहाँ से मिलती है तो वो कुछ मतलब फील बयान ही नहीं कर सकते ना, वो अल्फाज ही नहीं। तो आपका मजा आ गया शॉर्ट में? काफी मजा आ गया था। सुबह नीलम वैली बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो हमने ये चांस गवाया, सुबह सुबह सीधे सीधे नहाया। ये सामने वाला नजारा जो देख रहे हो सुबह सुबह का है पाकिस्तान के उस साइड। आज संडे है तो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके। कश्मीर। तो ये था जी कैरन वैली का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करना प्लीज। और कुछ चीजें जाने से पहले, जैसे आप यहाँ पे आओगे तो अपनी गाड़ी सर्विस और अपडेट करके आना जरूरी, क्योंकि रोड्स यहाँ पे टफ है। और सेकंड थिंग, जैसे आप करालपुर पुलिस करालपुर विलेज पहुंचोगे वहां से परमिशन लेके आना, और उस परमिशन की 7 जेरोक्स कॉपी करना, और उस 7 जेरोक्स कॉपी को आगे आगे आपको सबमिट करना है सिक्योरिटी पोस्ट पे, बीएसएफ के पोस्ट पे, जो आपको आगे आगे मिलेगी। सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना, अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, और गाड़ी मेक इट श्योर कि आप अच्छी लेके आ रहे हो यहाँ पे, और नई गाड़ी हो तो बहुत ही अच्छा है। दीजिए अपने भाई को इजाजत। खुदा हाफिज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो।